नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, पद्य भाग शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पद्य भाग के अंदर एक किस्म तो आपका सप्रसंग व्याख्या का आता है, जो कितने नंबर का है, 4 अंक का है। एक बड़ा प्रश्न आता है 4 अंक का, और 3 प्रश्न जो होते हैं वो छोटे आते हैं। अंदर कौन कौन से पार्ट है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज अपन पद्य भाग का जो अपना पहला पार्ट है संतवाणी, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। और संतवाणी के जो 3 भाग है, कबीरदास, तुलसीदास और कवि कृपाराम खिड़िया राजिया रसोरडा जो है उनके उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैंने एक वीडियो समा सेतु का डाला था आपके, तो समा सेतु में क्या है कि वो थोड़ा मतलब रटने जैसा सब्जेक्ट है, और उसमें फिक्स बिंदु वाइज जो है चीजें याद करनी होती है, रटनी होती है। और मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं, अगर आप डायरेक्टली उसको सीधा एक बार पढ़ सको तो जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने प्रश्न बना के दिए हैं उनको देख लेना, उसके बाद अपन इस पद्य भाग के बाद में समाज सेतु आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आज उसको पोस्टपोन कर दिया, बीच में रोक दिया उस टॉपिक को। आज नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन पद्य भाग का, जिसमें आपको बताया कि आपका जो पहला पार्ट है वो कौन सा है, संतवाणी है, संतों की वाणी, जिसके 3 भाग है। नंबर 1 कबीरदास, 2 तुलसीदास, और 3 है संत कवि कृपाराम खिड़िया। अब देखो, इन 3 में इन्होंने क्या किया है, नीति और भक्ति संबंधी दोहे दिए। किसके हैं, नीति यानी व्यवहार और भक्ति संबंधी दोहों का वर्णन है इसमें। ये पहला पाठ है। दूसरा जो पद्य भाग का पाठ है अपना, वो है कौन सा, सूरदास जी का। ये देखो, इसमें कबीर, तुलसी, कृपाराम, ये नीति संबंध है, ये राम भक्ति से संबंधित, ये कृष्ण भक्ति से संबंधित, और इसके अंतर्गत कौन से दोहे हैं, भ्रमर गीत से दोहे लिए हैं। ध्यान रखना, भ्रमर गीत है सूरदास जी का, भ्रमर गीत के कुछ पद, ध्यान रखना। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा है रहीमदास जी के नीति और भक्ति संबंधी दोहे। चौथा पाठ जो है अपना, वो है कौन सा, बिहारी। तो अब जब यहां तक देखो, कबीर, तुलसी, कृपाराम, सूरदास, रहीमदास, यहां तक तो है किस काल के पाठ है, भक्ति काल के हैं। बिहारी जी जो है वो किस काल के हैं, रीति काल के, रीति सिद्ध कवि हैं, और इसमें इन्होंने भक्ति, नीति व श्रृंगार के दोहे दिए हैं, ध्यान रखना। तीनों का मिश्रण है, भक्ति, नीति और श्रृंगार का। उसके बाद पांचवा जो भाग है या पांचवा जो पाठ है, लेसन है आपका, वो है किसका,
अपने वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन? भूषण। देखो रीति काल के होने के बावजूद भी कवि भूषण ने किसके दोहे लिखे? वीर रस के दोहे लिखे, महाराज शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा के संबंध में लिखे हैं। और इसमें वीर रस से युक्त कवि थे, ध्यान रखना सारे, ये छंद है कवि। छठा पाठ जो है अपना वो है कौन सा? शमशेर बहादुर सिंह का उषा। प्रातकालीन सूर्योदय से पहले की जो प्राकृतिक छटा है उसको ग्रामीण परिवेश से जोड़ने का सुंदर चित्र प्रयास किया है कवि ने। सातवां पाठ जो है वो है कवि कुंवर नारायण ने दो कविताएं दी इसमें, एक तो है कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी। इसके अंतर्गत कविता के बहाने कवि ने जो है वो कविता की तुलना चिड़िया से, फूलों से और बच्चों से की है, और जिसमें चिड़िया और फूल से कविता को श्रेष्ठ बताया और किसके समान बताया? बच्चों के समान कविता को बताया है। और बात सीधी थी के अंतर्गत कवि का कहना है कि जहां तक हो सके कविता को सरल से सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए जिससे कि आम पाठक भी उसे समझ सके। बात तो सरल थी लेकिन कवि क्या कह रहा है कि उसका पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन करते हुए, यानी कि बात को बड़ा चढ़ाकर या कठिन शब्दों में इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि बात सीधी होने के बावजूद भी हो, यानी कि सीधी थी और क्या हो गई, ऐसे पेंच के अंदर फंस गया, ऐसी टेढ़ी हो गई कि उसका अर्थ समझ में नहीं आया। आठवां पाठ है आपका कौन सा? आत्म पर, बहुत शानदार पाठ है ये, आलाबादी कवि है। आत्म परिचय किसके द्वारा रचित है? कवि हरिवंश राय बच्चन का। रहस्यवाद की तरह लिखा है इस बात को, जितने अर्थ, यानी कि जिस तरह आप उसे पढ़ो जितने अर्थ निकालना चाहो उस आत्म परिचय के माध्यम से आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। बहुत सुपर और जबरदस्त पाठ है ये। नौमा जो है वो है आपका कौन सा? अंतिम पाठ है ये, नौ पाठ ही है टोटल। मेरा बचपन है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो टोटल कितने हो गए? नौ पाठ है, ध्यान रखना, जिसमें यहां तक रहीमदास तत्व तो किस काल के हैं? भक्ति काल के। बिहारी और भूषण दोनों किस काल के हैं? रीति काल के हैं। और बाकी सारे के सारे किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं, ध्यान रखना। इस प्रकार से पद्य भाग का आपका डिवाइडेशन है, ध्यान रखना। देख लेना एक बार, फिलहाल आपके पास में मान लीजिए किताब नहीं है तो भी हिंदी के अंतर्गत आप उस प्रकार से किताब की भी आवश्यकता में सारे दोहे जो है बोर्ड पर लिखूंगा और एक एक दोहे का जो है वो सरलार्थ करेंगे अपन। अब यहां पर परिचय से संबंध अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। परिचय की यानी कि एक स्पेशल चार नंबर का आपका क्वेश्चन आता परिचय का, तो परिचय से रिलेटेड सभी का, यानी कि पद्य भाग के जितने भी कवि हैं उन सब का परिचय से संबंधित एक अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। अब यहां पर परिचय या उनका मैं सामान्य बताऊंगा, उसके बाद अपन केवल और केवल यहां पर क्या पढ़ेंगे? दोहे पढ़ेंगे या पद जो भी है इनके उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके संबंध में, आज अपन पढ़ेंगे कबीरदास। सन
1898 ईस्वी लहरतारा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ऐसी मान्यता है कि कबीरदास के माता पिता के बारे में उतना हमें जानकारी यानी कि कौन थे इसके बारे में नहीं मिलती। इनका जो पालन पोषण किया था वो एक मुस्लिम दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है वो हिंदू धर्म के अंतर्गत हुआ और पालन पोषण जो है वो इन्होंने इनका किसने किया, मुस्लिम दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। अब लेकिन कबीरदास जो है इन्होंने कभी अपने धर्म के बारे में इस प्रकार से स्पष्ट किया ही नहीं कि भाई मैं हिंदू हूं या मैं मुस्लिम। ये तो लोगों ने क्या है कि इनको कईयों ने हिंदू बना दिया तो कईयों ने क्या कर दिया मुस्लिम बना दिया। अब देखो अपन इनके परिचय से जन्म से संबंधित ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई थार है ना, पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली थार। ये सारी चीजें जो है अपन जो अलग से इनका वीडियो बनाएंगे एक परिचय का, उसके अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं भाई कबीरदास किस भक्ति के उपासक थे। और हम बात करते हैं कि भाई कबीरदास राम भक्ति उपास राम भक्त थे तो कैसे राम भक्त थे उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो जैसा कि हम जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर अपन बात करें तो हिंदी साहित्य को उन्होंने कितने भागों में विभाजित किया है, चार भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले आदिकाल, उसके बाद भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल, जिसके अंदर सबसे पहले विक्रम संवत 1050 से 1375 तक, ये ध्यान रखना कौन सा है, विक्रम संवत है 1375 विक्रम संवत से 1700 तक, 1700 विक्रम संवत से 1900 तक और 1900 विक्रम संवत से वर्तमान तक। ये चार भागों में किसने विभाजित किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को उन्होंने क्या नाम दिया, ये तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है, वीर गाथा काल। भक्तिकाल को भक्तिकाल ही नाम दिया गया, रीतिकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को आधुनिक काल और उसके साथ साथ गद्य काल भी कहा गया, ध्यान रखना। तो देखो अगर इसमें अपन ईस्वी सन की अगर बात करेंगे तो इसमें से कितने अपने को घटाने हैं, 57 घटाने हैं, ध्यान रखना। तो उस हिसाब से क्या निकल जाएगा इसका, ईस्वी सन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को चार भागों में अलग अलग विभाजित किया। सबसे पहला काल है कौन सा, आदिकाल, जिसका अपने को यहाँ जिक्र करना नहीं है क्योंकि इसके बारे में अपने सिलेबस में कुछ है नहीं। हम बात करेंगे किसके बारे में, भक्ति काल के संबंध में, ध्यान रखना। अलग अलग धारणाएं थी अलग अलग विद्वानों की। भक्ति काल तो देखो दो प्रकार की भक्ति, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण के दो भाग कर दें, एक संत कवि और एक सूफी कवि। संत कवि में कौन, अपने कबीरदास। सूफी कवि में कौन, मलिक मोहम्मद
जाए। सगुण भक्ति के दो भाग, एक राम भक्त, एक कृष्ण भक्त। राम भक्त तुलसीदास, कृष्ण भक्त सूरदास। तो देखो इसने अपने देखो संत कवि में कबीरदास, अब कबीर भी राम को मानते थे, तुलसीदास भी राम को मानते हैं, क्या अंतर है इन दोनों में? कबीर के राम और तुलसी के राम में फर्क क्या है, अंतर क्या है? तो देखो कबीर का जो राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। कबीर का मानना है कि राम की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वो तो क्या है, उनका वास तो घट घट में है, यानी कि संसार की प्रत्येक वस्तु में जो है वो क्या है, किसका वास है, राम का वास है। राम के नाम का स्मरण करने की बात कहते हैं कौन, कबीरदास। जबकि तुलसीदास जी के जो राम है वो दशरथ पुत्र राम है। और तो देखो इसमें ये फर्क है, यहाँ मूर्ति पूजा के विरोधी थे कबीरदास जी, इन्होंने मूर्ति पूजन का खंडन किया, और तुलसीदास जी ने मूर्ति पूजन का क्या किया है, समर्थन किया है। राम की छवि जो है हमारे सामने रहती है, रामचरितमानस भवन पढ़ते हैं देखते हैं तो उसमें भगवान राम का चित्र हमारे सामने रहता है, यहाँ पर राम की कोई छवि हमारे सामने नहीं थी। घट में प्रत्येक मन के अंतर्गत राम का वास होता है। निर्गुण भक्ति, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें गुण है वो सगुण है, जिसमें गुण नहीं है वो निर्गुण नहीं। जिसमें यानी कि मूर्ति पूजा का वो विरोधी है, और राम का वास घट घट में है, राम के नाम का स्मरण करना है, ये बात किसने कही है, कबीरदास जी ने कही है। और दशरथ पुत्र राम जिसके बारे में हम रामलीला में या फिर रामचरितमानस में रामायण में जो पढ़ते हैं, वो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस में राम का जो जिक्र किया तुलसीदास जी ने, वो दशरथ पुत्र राम है, उनकी छवि हमारे सामने रहती है। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। अब देखो कबीरदास, ऐसा ही मान्यता है कि कबीरदास अनपढ़ थे और उनकी शिक्षा को वापस इस संसार के सामने प्रस्तुत करने का लेखन के रूप में कार्य किया किसने, उनके शिष्य धर्मदास ने। सामान्य सी बात की भाई क्यों आवश्यकता, यानी भक्ति काल के संबंध में कवि क्या क्या अपनी बात बताते हैं, जो देखो कि दक्षिण भारत में भक्ति का बहुत ज्यादा प्रभाव था। आज भी आप देखो बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए दक्षिण भारत के अंतर्गत, और वहां पर दक्षिण भारत के अंतर्गत भक्ति का प्रभाव और वहां चलाने का काम कौन कर रहे थे, रामानुजाचार्य। ध्यान रखना दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार और प्रचार कौन कर रहे थे, रामानुजाचार्य, ध्यान रखना। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो ये कहते हैं कि मुगलों के प्रभाव के कारण हिंदू धर्म जो है वो क्या होने लग गया था, नष्ट होने लग गया था, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया था, और जैसा कि हम जानते हैं यातायात तीर्थ यात्रा कर जो जजिया कर लगाया उन्होंने, तो इस प्रकार से हिंदू धर्म हाथ होने लग गया, और हिंदू खुद ये सोचने लग गया कि ये मूर्तियां जो है ये अपने खुद की रक्षा नहीं कर सकते, फिर हमारी रक्षा कैसे। उस स्थिति में रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य किसको, रामानंद को कहां भेजा, उत्तर भारत में भेजा भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए। और यहां पर इन्होंने अपने कितने शिष्य बनाए, 12 शिष्य बनाए, जिनमें कौन प्रमुख थे, कबीरदास जी प्रमुख थे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, रामानंद जी खुद सगुण भक्ति के उपासक होने के बावजूद भी उनके सारे के सारे जो शिष्य हुए वो किस भक्ति के उपासक हुए, निर्गुण भक्ति के उपासक हुए, ध्यान रखना। अब जबकि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वे भक्ति काल के संबंध में कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, अगर मान लीजिए दक्षिण भारत से रामानंद जी नहीं भी आते ना, ऐसा भक्ति का प्रचार नहीं भी होता ना, तो भक्ति काल की वर्तमान की स्थिति उनके बाहर आना वैसी ही रहती जैसी कि पहले जमाने में थी, कोई फर्क था ही नहीं, पहले भी ऐसी की ऐसी थी जैसी वर्तमान में, इनके आने के बाद में
कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये दोनों में बेहतर ध्यान रखना, आचार्य शुक्ल अलग बताते हैं और आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी अलग बताते हैं ध्यान रखना। अब देखो इन्होंने प्रचार किया भक्ति का और लोगों को ये सीख दी कि बाहरी दिखावा आप क्या कर दो, छोड़ दो, राम नाम का हृदय में मन में क्या करो, स्मरण करो, तो तुम्हें राम की प्राप्ति अवश्य होगी। इन्हें भाषा का डिटेक्टर कहा जाता है। डिटेक्टर किसे कहते हैं अपन? तानाशाह। यानी कि अगर बात सीधे तरीके से सामने वाला समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी भी तरीके से उसे समझाना पड़े। अपनी बात को मनवाने के बड़े हिमायती थी, मन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो डरेरा देकर, किसी भी स्थिति कैसे भी समझे जाने वाला उसे अपने को क्या करना है, समझाना है। और यह भी कहा जाता कबीर के संबंध में कि मसी कागज छुयो नीर कलम गई नहीं हाथ, यानी कि स्याही और कागज को कभी स्पर्श किया ही नहीं है ना, कलम कभी हाथ में ली ही नहीं। मतलब ये है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे और उसकी साखी सबद और रमेनी को जो है वो प्रस्तुत करने का काम किया किसने, उनके शिष्य धर्मदास ने। तीन जो इनकी बातें हैं उनके बारे में पढ़, एक तो है साखी, साखी मतलब साक्षी, साक्षी का मतलब क्या होता है, गवाह। एक है सबद, शब्द का मतलब क्या है, वाणी, अपनी बात को क्या करना है, प्रस्तुत करना है, शब्द नहीं ध्यान रखना, शब्द है। और तीसरा जो है वो कौन सा है, रमेनी, जिसका सामान्य अर्थ क्या है, रामायण है, भगवान राम के संबंध में इन्होंने चर्चा की है, ध्यान रखना। तो अब अपन कबीरदास के संबंध में पढ़ते हैं, पद के संबंध में। पहले मैं चार एक अपने बोर्ड पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, उसके बाद में अपन उसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, ध्यान रखना। तो देखो कबीरदास जी का जो पहला दोहा है संतवाणी में, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य को समझाने का प्रयास किया है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीहचे किया विचार। तो क्या कह रहे हैं यहां पर देखो, ध्यान रखना, सप्रसंग व्याख्या का चार नंबर का प्रश्न आता है और उस चार नंबर के प्रश्न में प्रसंग और संदर्भ आता है एक नंबर का, व्याख्या आती है आपके दो नंबर की और विशेष जो है वो कितने नंबर का है, एक नंबर का है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं इसका सल्लास सुना देता हूं आपको, उसके बाद अपन स्टेज बाय स्टेप बाय स्टेज बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले प्रसंग और संदर्भ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद व्याख्या के बारे में और उसके बाद विशेष के संबंध में। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी यहां पर देखो, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नहीं अचे किया विचार। त्याग सीधे सीधे शब्द, त्याग तो ऐसा कीजिए मतलब त्याग तो ऐसा करना चाहिए, सब कुछ एक ही बार मतलब सब कुछ क्या कर देना चाहिए, एक साथ में ही समर्पित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, जो कुछ मेरे पास में मेरा ना होकर किसका है, मेरे परमात्मा का है, प्रभु का है, मेरा नहीं है। नहीं अच्छे मतलब एक ऐसा शब्द जो याद करने योग्य है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप किया विचार, निश्चित रूप से ऐसा हमें विचार करना चाहिए। देखो कबीरदास जी कहते हैं धन संपत्ति मोह माया जो कुछ है क्या कर दो, या जो आपके पास में सब कुछ एक साथ में ईश्वर को क्या कर दो, समर्पित कर दो कि भाई ये जो कुछ मेरे पास है वह मेरा ना होकर किसका है, मेरे परमात्मा का है, इसलिए मुझे यानी किसी प्रकार का मेरी संपत्ति पर या धन पर या जो कुछ मेरे पास है उस पर मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं एक साथ में जो मैं ईश्वर के लिए क्या कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। त्याग तो ऐसा कीजिए, यानी कि मनुष्य को, कभी संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा त्याग करना चाहिए कि उसे सब कुछ एक साथ में ही त्याग देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और क्या विचार करके, सब प्रभु का मेरा नहीं,
यानी कि जो कुछ मेरे पास है धन संपत्ति वैभव जो कुछ है सब किसका है, मेरे परमात्मा का है, मेरे प्रभु का है। नियचे किया विचार, निश्चित रूप से उसे ऐसा विचार करना चाहिए। वापस सल्लार्थ संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को निश्चित रूप से ऐसा विचार कर कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा ना होकर मेरे परमात्मा का प्रभु का है, और ऐसा सोचकर सब कुछ एक साथ नहीं क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहिए। केवल और केवल क्या करनी है, ईश्वर की आराधना करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है। शब्दार्थ के रूप में, हालांकि शब्दार्थ के कोई अलग नंबर नहीं है, है ना, और इसमें ज्यादा शब्दार्थ भी नहीं है, कुछ ऐसे दोहे हैं जिनके अंतर्गत एक एक शब्द को ध्यान रखना होता है। यहाँ शब्दार्थ के रूप में सबसे पहले दो तीन जो है वो अपन लिख लेते हैं। नी अचे मतलब निश्चित रूप से, है ना, प्रभु परमात्मा, बाकी यहां पर सब सामान्य वर्ड है, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले संदर्भ क्या होता है। संदर्भ का मतलब यह है कि आपने ये दुआ कहां से लिया, संदर्भ मतलब सहायता कहां से लिया आपने, कहां से पढ़ा आपने ये दुआ, तो उसके संबंध में अपन क्या लिखेंगे, भी उपयुक्त दोहा हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जिसमें आप सृजन सृजन लिखो तो ऐसे लिखना है, और अगर सृजना लिखो तो ऐसे लिखना है, ध्यान रखना। सृजन के संतवाणी नामक सृजन के पद्य भाग के ध्यान रखना, पद्य भाग के संतवाणी नामक पाठ से संकलित है, उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचनाकार संत कवि कबीरदास है, ध्यान रखना। प्रसंग में अपन क्या लिखेंगे कि इस दोहे की, यानी कि किसके संबंध में है यह दोहा। उपयुक्त दोहे में कवि ने मनुष्य को सब कुछ ईश्वर का मानकर एक साथ त्यागने का परामर्श दिया है। आप इन दोनों को साथ में संदर्भ प्रसंग करके साथ में लिख सकते हो, जिसमें लिखेंगे अपन क्या, उपयुक्त दोहा हमारे अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य भाग के संतवाणी नामक पाठ से संकलित है, इसके रचनाकार संत कवि कबीरदास है, इसमें कवि ने मनुष्य में को सब कुछ ईश्वर का मानकर एक साथ त्यागने का परामर्श दिया है। या ऐसा भी कह सकते हैं इसमें, तो इस दोहे में कवि ने मनुष्य को परामर्श दिया है कि वह सब कुछ ईश्वर का मानते हुए एक साथ में क्या कर दे, त्याग दे या ईश्वर को समर्पित कर दे। अब अपन बात करते हैं इसके संबंध में व्याख्या के संबंध में, क्या लिखेंगे, उपयुक्त
दोहे में भक्तिकालीन संत कवि कबीरदास मनुष्य को सपन समर्पण का महत्व बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को यानी तो उसे कहते हैं कि उसे निश्चित रूप से यह विचार कर कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा न होकर परमात्मा का है, उसे सब कुछ एक साथ मैं ही त्याग देना चाहिए। अब विशेष के रूप में अगर बात करें तो क्या होता है, देखो सामान्यतः आप ये ध्यान रख लो कि विशेष के अंतर्गत चार पांच बड़ी बड़ी बातें ये होती है, भाषा शैली गुण दोष रीति छंद अलंकार ये तो लिखना ही, इसके अलावा इस दोहे से संबंधित एक दो बात और लिखनी होती है। एक नंबर का है, दो या तीन बिंदु बना दो, ऊपर लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना विशेष, देख लेना वापस एक बार क्या है। इस दोहे में संत कबीर ने किससे संबंधित चर्चा की है, यानी कि मनुष्य को सब कुछ एक साथ त्यागने का परामर्श दिया है। उपयुक्त दोहे में भक्तिकालीन संत कवि कबीरदास मनुष्य को समर्पण का मैं तो बताते हुए कहते हैं कि उसे निश्चित विचार कर कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा ना होकर मेरे परमात्मा का है, उसे सब कुछ एक साथ में त्याग देना चाहिए, अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहिए, है ना। कि मनुष्य को निश्चित रूप से ऐसा विचार कर कि सब कुछ मेरा ना होकर मेरे प्रभु ईश्वर परमात्मा का है, ऐसा विचार करके सब कुछ एक साथ नहीं उसे क्या कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अब अपन फटाफट इसका विशेष पढ़ लेते हैं। विशेष के अंदर पहला बिंदु क्या लिखेंगे अपन, हालांकि मैं यहां उपयुक्त या नीचे लिखना था, लेकिन अब आप ऐसा लिखो कि एक पेज के अंदर लगा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा उपयुक्त दोहे में उपदेशात्मक व परामर्शपरक शैली का प्रयोग हुआ है। दोहे की भाषा सदुकड़ी है, पंजाबी मिश्रित राजस्थानी। नंबर तीन, दोहा छंद
बाद गुण का प्रयोग हुआ है। बाकी अलंकार को इसमें है नहीं तो एक लिख दो, कौन सा हुआ है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नंबर 5, मनुष्य को सब कुछ ईश्वर का मानकर समर्पण का ईश्वर का मानकर सब कुछ एक साथ समर्पित करने का परामर्श लिया है। और अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके संबंध में, कल इनके जो नेक्स्ट दोहे हैं उनके संबंध में बात करेंगे। ध्यान रखना।